फुर्सत तुम्हारे पास भी है, फुर्सत मेरे पास भी है, फुर्सत तुम्हारे पास भी है, फुर्सत मेरे पास भी है, चलो आधा आधा इश्क कर लेते हैं, फिर ना तुम्हें फुर्सत होगी, फिर ना हम फुर्सत में आएंगे। आधा इश्क क्यों? आधा इश्क इसलिए क्योंकि मुकम्मल चीजें हमेशा भुला दी जाती है, सिर्फ डायरी में एक टू डू लिस्ट में मार्क बन के रह जाती है कि ये कर लिया। तो इश्क का मजा तो अधूरेपन में ही है। वो कहती है मुझे कि उसने मुझे एक मुलाकात में ही जान लिया। वो कहती है मुझे कि उसने मुझे एक मुलाकात में ही जान लिया। कोई उससे पूछ के तो बताए कि आखिर हम हैं कौन। चलिए, एक चीज है, बड़े बड़े लेखक कहानियां सुनाते हैं, मैं अभी उतना बड़ा तो हुआ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको ख्वाहिशें सुना सकता हूं। तो एक चीज है जो हम सब में बहुत कॉमन है, जो हम रोज करते हैं, सुबह उठना, उठ के चलना और वापस आके सो जाना। तो एक कैरेक्टर है, वो कहता है कि चलो कहीं खामोशी से कहीं दूर चलते हैं, चलो खामोशी से कहीं दूर चलते हैं और चुपचाप कहीं बैठकर सोचते हैं। बनते हैं उन आवारा बादलों की तरह जो ना तो गरजते हैं, जो ना ही बरसते हैं, बस वो जिंदगी की परेशानियों वाली सारी धूप को ढक लेते हैं। वो जिंदगी की सारी परेशानियों वाली धूप को बस ढक लेते हैं। सुनो तुम आना मुझसे मिलने लेकिन अपना असली चेहरा देखे। सुनो तुम आना मुझसे मिलने लेकिन अपना असली चेहरा लेके, क्योंकि सुना है कि इस बाजार में तेरे फोटोशॉप वाले चेहरे बिकते बहुत हैं। क्योंकि सुना है इस बाजार में तेरे फोटोशॉप वाले चेहरे बिकते बहुत हैं। अब तो ऐप भी आ गए हैं, ठीक है, तो ऐप से आपको पता ही है कि आधार कार्ड और फेसबुक वाले प्रोफाइल पिक्चर के बीच का कितना डिफरेंस है। शायद उस खर्चे में हम दूसरा मंगलयान भी भेज सकते हैं। आते वक्त रास्ते में हवा से कहना कि जरा मध्यम मध्यम रहे। आते वक्त हवा से कहना कि जरा मध्यम मध्यम रहे। अगर कहीं बारिश हुई हो तो हल्की सी नमी ले लो, ठीक वैसे ही ठंडक जैसे माँ सुबह कमरे में अपने ठंडे हाथों से उठाने आती है। अपनी उन तमाम मुसीबतों वाली चप्पल पहनकर मत आया। सुबह सुबह तैयार होते टाइम पे हम सबको इतना वक्त तो जरूर होता है कि एक बार बालों पे हाथ मार लिया, चेहरे पे देख लिया, लेकिन जो जूतों की तस्लीम बांधने का वक्त होता है वो वक्त हमें फिजूल लगता है। उस वक्त में 100 तरह की चीजें दिमाग में चल रही होती है, यार ये टाइम पे ना हम कुछ और कर सकते थे, हमें यहाँ पहुंचना था, हम लेट हो गए हैं। तो उन तमाम परेशानियों वाली और उन तमाम चीजों की चप्पल को तुम छोड़ के आना, मैं तुम्हारी उंगलियों से बात करूंगा, मैं तुम्हारी पांव की उंगलियों से बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि क्या आज भी उसमें वो उड़ने का हौसला बाकी है क्या, कि आज भी उसमें ये उड़ने का हौसला बाकी है क्या। तुम कहती हो कि ये सारी चीजें किस्सों और कहानियों में ही अच्छी होती है। चलो माना ये किस्से हैं, ये कहानी है। तो एक इतवार को तुम भी अपनी छत पे आना, मैं भी अपनी छत पे आऊंगा, ठीक है। एक इतवार को तुम भी अपनी छत पे आना, मैं भी अपनी छत पे आऊंगा और हम एक रस्सी लगाएंगे दोनों के छत पे, जिसमें अपने अपने किस्सों को टांगेंगे और एक दूसरे की कहानियों को सुनेंगे। वो जो रस्सी है वही जिंदगी है, वो जो रस्सी है वही जिंदगी है, जिसमें हम अपने अपने किस्सों को बांटते हैं। फिर कभी फुर्सत मिली तो अपने किस्से मैं फिर आपको सुनाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जाने से पहले
एक शायद आप लोग जाकिर के बहुत बड़े फैन हो, पर ये नहीं सुना होगा आपने कि जाकिर भाई कि अगर सख्ती में आज तक कोई भी चीज जो सबसे अच्छी लगी है तो वो दो लाइनें आपको सुना के जाता हूं कि अब उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, अब उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, अब उनसे मुलाकात होगी कयामत के रोज, अब उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं, अब उनसे मुलाकात होगी कयामत के रोज। क्यों? क्योंकि उससे पहले बात हो सके ऐसा मुमकिन नहीं।